मेरठ में हुए रेप कांड में हुआ बड़ा खुलासा, आप जानकर रह जाएंगे दंग। नमस्कार, मैं शिवान शर्मा हाजिर हूँ आज की एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। बीते दिन एक महिला से बस में हुए बलात्कार की खबर आग की तरह फैल गई। हर किसी को यह खबर सुनकर केवल एक ही बात याद आई और वह था निर्भया रेप हत्याकांड। जब महिला ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह उसके साथ चलती बस में पहले रेप हुआ और फिर महिला को बस से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसमें एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल बीते दिन मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी में सुबह सुबह एक युवती नशे की हालत में मिली, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने बताया कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे देकर उसके साथ दुराचार किया गया। हालांकि जब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की तो महिला के झूठ का खुलासा हो गया। दरअसल दुष्कर्म का मामला सामने आते ही पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति से पूछताछ की, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और महिला के मोबाइल नंबर के सीडीआर के आधार पर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद हुए खुलासे से सभी दंग रह गए। पूछताछ के बाद पता चला कि महिला का एक बच्चा है और उसकी उम्र 35 वर्ष है। 3 साल पहले महिला थाना सरूरपुर के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अपने पति को छोड़कर रहने लगी थी, फिर बाद में उसके छोटे भाई के साथ रहने लगी। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि महिला शराब की आदी थी और पहले भी घर से बिना बताए कई बाहर चली गई थी और कल दोपहर भी 3 बजे घर से बिना बताए निकली, जहां छानबीन से पाया गया कि एक व्यक्ति का लोकेशन इस महिला के साथ ही एक स्थान पर है, जो कि एक रिटायर्ड फौजी है। महिला के मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला कि महिला ने खुद अपने मोबाइल से रिटायर्ड फौजी को फोन किया, जिसके बाद दोनों ने देवलोक कॉलोनी में मिलकर शराब पी और अपनी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी के मुताबिक इस दौरान महिला और रिटायर्ड फौजी के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे। सुबह इन लोगों ने महिला को नशे की हालत में दिल्ली रोड पर फेंक दिया, जहां महिला ने पुलिस को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई। फिलहाल पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस पूरे मामले की जानकारी मिली। इसके साथ ही पुलिस बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अभी के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे सिटी वेब न्यूज के साथ। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।